हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हर बच्चे का ये सपना होता है, जिनको कुकिंग का शौक होता है वो ये सोचते हैं कि सेफ की तरह हमें भी चाकू चलाना आना चाहिए। तो बस लेट्स लेट गो एंड स्टार्ट। हेलो बच्चों, आज हम चॉपिंग बोर्ड पे वेजिटेबल को कैसे कट करते हैं वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले ये सीखना है ये हम चाकू को किस तरह से पकड़ना है। तो आप ये देखिए, ये एक अंगूठा और ये फिंगर से हमें इसको पकड़ना है, और ये जो हमारी 3 फिंगर्स हैं उनको हमें चाकू पर रखना है। इस तरह से हम नाइफ को पकड़ते हैं और फिर हम चॉप करते हैं, और इस तरह से आगे की तरफ धक्का देते हुए इस तरह से चलाएंगे तो हमारी वेजिटेबल आसानी से कट जाएगी। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से आपको ये ली है, तो हम इसको कैसे कट करेंगे। तो ये देखिए, तो ये आसानी से कट जाएगी। और यदि हमें बीच में से कट करना है, पहले हम उसके दोनों सिरों को कट करेंगे। यदि हमें लंबा कट करना है तो हम इस तरह से कट करेंगे। ये देखिए, इस तरह से चलाएंगे चाकू को। तो ये देखिए, हमें इकट्ठी सब्जियां काटनी है, तो हम कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले इनको इक्वल कर लेते हैं, इसको बराबर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये पीछे का पॉइंट है इसका, सब्जी का, इसको कट करेंगे। तो हम इसको ऐसे पकड़ेंगे अंगूठे से इस तरह, और ये उंगलियों को अंदर की तरफ, जिससे हमारी उंगलियां सेफ रहें। ये देखिए अच्छे से, और ग्रिप आपकी अच्छी होनी चाहिए सब्जियों पे। तो हम इस तरह से चलाते हुए ये ऊपर का हिस्सा अलग कर देंगे, और इनको इस तरह, ये देखिए, ये ऐसे ही मैं सारी लेडी फिंगर को कट कर ले रही हूँ। अब देखिए ये टमाटर को कैसे कट करना है, इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें यदि हमें छिलका छिलका चाहिए तो हम इस तरह से करेंगे। पहले एक हल्का निशान बना लेते हैं, और फिर इसको इस तरह से हल्का सा निशान लगा लीजिए, और इसको ऐसे कर, और ये इसको हम यदि ऐसे कट करेंगे तो इसका सारा जूस बाहर आ जाएगा। तो हमें इसको छोटे पीस में करने के लिए हमें इसको ऐसे कट करना है। ये देखिए, इस तरह से हमें इसको कट करना है यदि बड़े पीस करने हैं तो, और यदि हमें कोई छोटे छोटे पीस करने हैं तो पहले हम इस तरह से कट करेंगे, और फिर इस तरह से। तो ये वेजिटेबल बहुत जल्दी कट जाती है। आपको छोटे बड़े जैसे पीस चाहिए आप वैसे उनको कट कर सकते हैं। ये देखिए, अभी मुझे बड़े पीस चाहिए तो मैं बड़े बड़े पीस कट कर रही हूँ। एक टमाटर और कट करके दिखा देंगे आपको। और इसको भी फेंकना नहीं है, ये पीसने के लिए हम इसको काम में। तो इसको हमें कैसे कट करना है, पहले मैं ये स्मॉल अनियन बता दे रही हूँ। तो पहले ये पीछे का हिस्सा हम इसको अलग करेंगे। टिप को अलग करेंगे ऐसे ही, इसका भी पहले पीछे का हिस्सा इसको कट कर देते हैं, और अब इसको पील कर लेते हैं।
पत्तेदार सब्जी को कैसे कट करते हैं। तो ये क्योंकि थोड़ी सी मुरझाई हुई थी तो मैंने इसको ठंडे पानी में डाल दिया, तो ये एकदम से फ्रेश हो गई है सब्जी। कभी भी आपकी ग्रीन वेजिटेबल मुरझा जाती है तो उसे पहले चॉप करने से पहले आपने रखी तो इस तरह से एकदम से फ्रेश हो जाएगी और अच्छे से चॉप होती है ये। और ये देखिए तरीका वही है, ऐसे पकड़ना है और नीचे इसको ऐसे पकड़ना है और इसको ऐसे पकड़ेंगे। अब मैं आपको ये ग्रीन चिली भी कट करके दिखा दे रही हूँ। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।